पहला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बुलडोजर कार्रवाई पे मैं प्रश्न करना चाहता हूं। इसके दो पक्ष हैं, सरकार सत्ता प्रतिष्ठान ये कहते हैं कि ये अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आम लोगों पर भी चल रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई को? शिवम, ये पूरा सवाल मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक को पूछना चाहिए। और पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कानून का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरी टिप्पणी कानून के विशेषज्ञ के तौर पे होने की बजाय एक नागरिक की जो एक सामान्य समझ है, नागरिक होने का जो एक तकाजा है कि एक बुनियादी समझ हमारी है, उसके लिहाज से मुझे लगता है कि भारतीय पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी कैसे है। कार्यपालिका विधायिका के बाद एक एक तटस्थ, निष्पक्ष और स्वायत्त न्यायपालिका की पूरी संरचना खड़ी की गई है। जनता चुनती है अपने हुक्मरानों को, वो नीतियां बनाते हैं उसी जनता के पक्ष में। तो जो काम करते हैं उसके लिए अलग प्रक्रिया है, जो नियम बनाते हैं उसके लिए अलग प्रक्रिया है। और इन सब से ये अवधारणा ये है कि वो इस देश के आम लोगों के हक हुकूक के लिए काम करेंगे। संविधान उसके लिए एक काम का रास्ता है। संविधान के हिसाब से सरकारें चलेंगी, संविधान के हिसाब से नियम होगा और उसका कार्यपालन करोगा। इन सब पर निगरानी रखने का काम किसको दिया गया? वो न्यायपालिका को। फिर आम नागरिक को यह हक भी दिया गया कि आपके निजी जीवन में कोई बात हो या आप किसी नीति से, सरकारी संस्थानों से अगर आपकी टकराहट होती है तो आपके पास एक कानूनी रास्ता है, आपके पास एक न्यायपालिका है, आप उसमें आवेदन करते हैं, अपना निवेदन देते हैं, आपके पास उसका एक पूरा प्रक्रिया बनी हुई है। अगर सरकार भी किसी नागरिक के ऊपर कोई आरोप लगाती है, जैसे सरकार में अगर कह रहा हूं तो प्रशासन है, पुलिस है, या कोई भी इस तरह की कार्रवाई अगर किसी नागरिक पर होती है, तो भी नागरिक के पास यह हक होता है कि वो अपनी अपील और सुनवाई न्यायपालिका के बरक्स करे, वो अपना पक्ष रखे। कोई भी पूरी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं भी आप कोई भी नियम ऐसा नहीं पाएंगे कि किसी भी जगह पर आपको अपना पक्ष रखने, सुनवाई करने का मौका न मिले। इवन जिनके ऊपर ऐसे आरोप होते हैं कि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इन्होंने अमुक काम किया, इन्होंने अमुक काम किया, फिर भी उनसे पूछा जाता है कि आपका अपना पक्ष क्या है। मैं बतौर नागरिक इस पूरे बुलडोजर वाले प्रकरण में देख पा रहा हूं कि वह एक एक पक्ष बहुत तेजी से हाशिए पर ढकेला गया है। लेकिन यहां जो उत्तराखंड में हो रहा है, यहां लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई ये तो कोर्ट का फैसला है, यहां थोड़ा सा मामला अलग है। तो मेरी पहली टिप्पणी उन तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश या कई प्रदेशों में अब ये कल्चर बनता जा रहा है कि अपराध कोई किया तो तुरंत हम ऐसी सजा देंगे कि जैसे फिर तो न्यायपालिका की जरूरत कहां रह जाएगी। और कल्पना करें, इस देश में क्या यह नहीं हुआ क्या कि 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद साबित ही नहीं हुआ कि अमुक अपराधी ने अपराध किया था और उसे रिहा कर दिया गया? तो अब अगर बुलडोजर से घर गिर जाएगा और बाद में अगर साबित हो जाए कि वह गुनाह उन्होंने नहीं किया या साबित ना कर पाया जाए तो क्या होगा? एक ये पूरा पहलू मेरा इस नागरिक बोध के नाते, इस पूरे बुलडोजर संस्कृति पर है, ये सवाल है मेरा। उत्तराखंड में लेकर के ये पूरा प्रकरण चूंकि वाया हाई कोर्ट आया है, वाया न्यायपालिका आया है, और वहां ये कहा जा रहा है कि भाई आपके आपकी सुनवाई हुई, आप ये साबित नहीं कर पाए कि वो जमीन आपकी है, साबित ये हो रहा है कि वो जमीन रेलवे की है और इसलिए आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। मैं यहां तक जो चीजें वो कानून की पेचीदगियां हैं, वो न्यायपालिका की चीजें, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। अब मैं यहां एक सवाल कर रहा हूं बतौर नागरिक की सरकार की भूमिका क्या होगी? कोई भी सरकार होगी, सरकार चूंकि जनता द्वारा चुनी गई होती है, तो अब अगर कोई नियम आप बनाते हैं, मैं दो तीन रेफरेंस के तौर पर बस चीजें जोड़ रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कितनी सटीक तुलना होगी, फिर भी मुझे मुझे जहन में जो आ रहा है, नर्मदा नर्मदा नदी के ऊपर बांध बना करके विकास के नाम पर जो भी कुछ किया जाना था, उसके आड़े कौन आ रहे थे? वहां के लोग जो उस बांध के घेरे में आएंगे तो उनको पुनर्वास किया जाएगा, ये काम किसका? सरकार का। तो उनका पुनर्वास हो और उसको वो भी ढंग से ना हो पाया तो एक पूरा नर्मदा बचाओ आंदोलन समिति बनी और सालों साल संघर्ष हुआ। दूसरा मुझे उदाहरण आदिवासियों का याद आता है, और फिर मैं इसे सीएनआरसी से जोड़ना भी चाह रहा हूं
कि आदिवासियों को भी लगातार ये कहा जाता है कि अगर आपको विकास चाहिए तो विकास के नाम पर ये काम करना होगा जो आदिवासी मंजूर नहीं करते, और वो सरकार से टकराते हैं कि हमें ये विकास इस तरह से मत दीजिए कि हमारा सब कुछ उजड़ जाए। और सीएनआरसी को मैं केवल इस रूप में जोड़ रहा हूं कि जब आपसे कागज मांगे जाएंगे, जब आपसे दावा देखा जाएगा कि आपका कितना पुख्ता दावा है, तो वहां कोई बीच का रास्ता ऐसे निकालना होगा कि अगर कोई नागरिक आपके ही राज्य का है, आपके ही देश का है, और वो नागरिक होने के नाते बुनियादी हक रखता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले। जैसे मैंने जो इतना पढ़ा, वो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारे घर उजाड़ने से पहले कोई ठिकाना दे दें। बस ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मुझे लगता है कि यहाँ सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको ठिकाना देना चाहिए और बीच का रास्ता निकाल करके कानून का भी पालन हो, कोई कोई बुनियादी हक हुकूक से न रखे। छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस आ रही है कि हम इस ठंड में कहाँ जाएंगे आप अगर हमारे घर तोड़ देंगे। बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जिन पर अपराध आप साबित नहीं कर पा रहे, उनके घर नहीं तोड़ते हैं। आप बहुत चुनिंदा तरीके से कहीं धर्म और जाति देख करके अगर आप ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान खतरे में है, मेरी चिंता ये। डॉक्टर लक्ष्मण देखिए, दोनों ही बातों में, एक तो वेलफेयर स्टेट पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा हो कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, दूसरा ये कि आप, मैं सुनता रहा हूं कि आप लगातार अल्पसंख्यकों पर, पिछड़ों पर, आरक्षण पे आपने बड़ी तीखी टिप्पणियां की हैं, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादा लोग हैं इस पूरी बस्ती में जिसको उजाड़ा जा रहा है। और अभी तक जितनी बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं अगर उसको समग्र रूप से देखें तो उसमें आपको एक चीज स्पष्ट नजर आती है जो सरकार दिखाना चाहती है। मैं इन दोनों पे ही आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि रेवड़ियों के दौर में वेलफेयर स्टेट की एक सोच रखना ये तो बेमानी है, और दूसरा क्या ये वाकई में उस दिशा में बढ़ने की कोशिश हो रही है? जी ये ठीक बात है, ये अभी सुरेंद्र जी ने जो पक्ष जोड़ दिया, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग के अलग से अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने वाले, आरक्षण के बारे में बोलने वाले नहीं, हम लोग मूलतः दो ही विचार, मुझे लगता है विचार तो एक ही है, उसके दो पहलू हैं। विचार क्या है, संविधान वाला, और संविधान में हमने जो सीखा है, जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, उसमें हमेशा, चाहे मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं उस नाते, या हम बतौर नागरिक जो होना चाहते हैं सजग, उसके नाते हमें ये सिखाया गया कि कमजोर के पक्ष में खड़े हुआ जाए, और कमजोर के पक्ष में न्याय संगत तरीके से, यानी मूल में न्याय है, समता है, और वह न्याय और समता का विचार, सामाजिक न्याय का विचार, संविधान का विचार हमें ये तालीम देता है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, अब वो वल्नरेबिलिटी चाहे किसी भी बेस पर हो, अगर धर्म के नाम पर मुझे इस देश में दिखेगा कि खास किस्म की राजनीति है, तो मुझे उस राजनीति के शिकार लोगों के पक्ष में खड़े होना मेरा नागरिक बोध कहता है। जाति के नाम पर अगर इस देश में वंचना है, तो मेरा नागरिक बोध, मेरा सामाजिक बोध, सांस्कृतिक बोध ये कहता है कि जाति के नाम पर वंचित शोषित जमात के साथ में खड़ा हूं, और यही मेरा न्याय संगत पक्ष है। इस पूरे पहलू के लिहाज से मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर ये वाकया ऐसा ही है, तो हल्द्वानी में उतनी देर रात को घंटों, जब तापमान हाड़ गला देने वाली सर्दी जिसे हम कहते हैं, मुझे पूछ की रात का हल्कू याद आ रहा है, जब वो अपनी जमीन को बचाने के लिए वो कैसे पूछ की रात में सब कुछ झेलता है, और अंत में प्रेमचंद लिखते हैं कि वो उस कहानी में पूछ की रात का हल्कू अपने किसान होने को बचा रहा होता है, और वो नहीं बचा पाता, मजदूर हो जाता है, और फिर उसे वो ही मानता है कि अब मुझे ठंड नहीं लगेगी, अब मैं बच गया। मैं बार बार यहां खड़े होकर के इस हकीकत को चुनौती देते हुए देखना चाहता हूं, चाहे वो न्यायपालिका के पक्ष के सामने ये पहलू हो, सरकार की भूमिका हो, इन सब में आप दस्तावेज चेक करें, आप रेलवे का पक्ष सुने, आप न्यायपालिका में जो सुनवाई हुई उसका भी पक्ष सुने, लेकिन रास्ता ऐसा निकलना चाहिए कि जो मानवीय मूल्यों के आधार पर हो, और मुझे उसमें एक संदेह नजर आता है। अच्छा। और इसलिए मैं आपके चैनल पर खड़े होकर के कह रहा हूं कि अगर वाकई सरकार मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखती है, तो न्यायपालिका तो मेरिट पर डिसीजन देगी। हालांकि यह भी बात सही है कि जजों के भी अपने स्वविवेक होते हैं,
अगर वो पूर्णतः खत्म नहीं हो गए, मेरा भरोसा है कि खत्म नहीं हुए हैं, और वो स्वतः संज्ञान लेने वाली न्यायपालिका भी अभी भारत में जिंदा है, स्वतः संज्ञान लेकर के वो संविधान को बचाने के लिए आगे आती हूँ, सरकारों के खिलाफ जाना पड़े तो भी आगे आती होंगी, मेरा भरोसा इस बात है। और इसलिए मैं इस बात को शिवम इस तरीके से रखना चाह रहा हूं कि इन सारे पक्षों को सुनने के बाद भी कहीं से भी अगर मुझे ये नजर आए कि वह धार्मिक आधार पर कहीं भेदभाव करता नजर आ रहा है, संविधान के आधार पर उन मानवीय मूल्यों या जरूरतों के आधार पर कहीं न्याय के पक्ष में खड़ा नहीं नजर आ रहा है, तो मुझे मेरी चिंता गहराएगी कि चाहे वो सरकार हो चाहे वो न्यायपालिका हो, दोनों से अगर नागरिक का भरोसा उठ गया तो फिर किस बात के कागज और दस्तावेज होंगे। शुक्रिया।